फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले आप लोग शेयर कर दो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलो कि भाई चलो लाइव लेक्चर शुरू हो चुका है। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे कि आपको पता है कि कछुआ अभी रोज़ सुबह 9 बजे कछुआ के चैनल पे हम लोग लाइव होते हैं और वो होते हैं गुजरात गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। अगर हम लोग बात करें कि एसएससी बैंकिंग या आर्मी या सेंट्रल लेवल की जो एग्ज़ाम होती है रेलवेज़ की, उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए तो हम लोग 4 बजे लाइव होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी मिले हैं तो ये एक स्केड्यूल है पूरा। सुबह 9 बजे का जो लेक्चर होता है उसका मंडे टू संडे, दैट इज़ 7 डेज अ वीक, पूरा हफ्ता हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। और 4 बजे वाली अपनी जो लाइव बैच है वो आप सबको पता है कि हम लोग ने शुरू की है जस्ट 2 डेज बैक। और अगर कोई फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी है कि जो कछुआ से जुड़ना चाहती है फॉर जीपीएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस और स्टैंडर्ड 5 to 12 और स्पोकन इंग्लिश और टेक्निकल और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकती है। तो वो फैकल्टी हमें कांटेक्ट कर सकती है। और कछुआ की एप्लीकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद अभी तक आपने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो। आपको सारे कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको जो भी डाउट है वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाए। और मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग कल प्रेजेंट थे, कितने लोगों ने जो हमारा नंबर सिस्टम जो चैप्टर चल रहा है उसमें से जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था कल वो अटेंड किया था। शेयर कर दो यार, जल्दी से जुड़ जाओ लोग। मुझे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं इधर। हाय एवरीवन। तो मुझे बता दो कि कितने लोग कल थे जो लेक्चर था हमारा शाम को 4 बजे, उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोगों ने वो अटेंड किया है। हाय एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट से मुझे बता दो। मैं रवि वॉज देयर, ओके। और कौन कौन थे? क्योंकि क्या होगा कि अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। गाइस जस्ट गिव मी 2 seconds, देयर इज सम टेक्निकल इश्यू, आई कुडंट फाइंड माय पेन, दैट इज अ डिजिटल पेन, सो आई विल बी बैक विद in 2 minutes. Just give me 2 minutes. देखिए तो इसमें बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है। कौन कौन लोग थे चलो जान लेते हैं। रवि किंजल, हाय किंजल, प्रवीण, दिन मकवाना, धीरू, अमरदीप सिंह और चिराग। ओके तो इतने ही लोग थे कल, तो बहुत सारे लोग थे, कहाँ गए बाकी के लोग? फटाफट से शेयर कर दो। चलो हम लोग शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। आई होप कि मेरी वॉइस आपको एकदम क्लियर है, आपको मेरी वॉइस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बता दो, अदरवाइज़ हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर। चलो पूजा पटेल, मैं, यस पूजा पटेल, भरत, यस आई रिमेंबर। इसमें से बहुत सारे नाम तो ऐसे हो गए कि जो मुझे मतलब याद रह गए, कि क्योंकि सुबह के लेक्चर में होते और शाम को भी आप लोग प्रेजेंट होते हो, अच्छा लगता है देख के। चलो तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कि कल हम लोग ने, ओके वॉइस इज़ क्लियर प्रवीण, थैंक यू सो मच। कल हम लोगों ने देखा था कि कल हम लोगों ने क्या कहाँ तक देखा था, टाइप्स ऑफ नंबर देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कीज़। अभी कीज़ इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? डिवीज़न कीज़। तो इसमें हम लोग सारी कीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि कीज़ हम लोग शुरू करेंगे 2 से, शुरू करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 की पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? क्या आपको लगता है कि 17 की पढ़नी चाहिए? प्लीज़ डोंट पास एनी रैंडम कमेंट्स, वी आर हियर फॉर स्टडी। फटाफट से मुझे बता दो 17 की पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। चलो तो हम लोग ये सारी कीज़ पढ़ने वाले। सबसे पहले शुरुआत करते 2 की की से। 2 की की क्या होती है वो शुरुआत करते हैं 2 की की से। तो 2 की की क्या होती है? तो जिसका यूनिट डिजिट, जिस नंबर का यूनिट डिजिट, जो 2, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, ये 2 की 3 की 4 की 5 की ये सारी कीज़ आपको पता है, मतलब आप बचपन से पढ़ते आए हो। तो हम लोग इसको क्विक रिवाइज करेंगे 2, 3, 4, 6, 8। और हम लोग टाइम किस में देंगे? तो ये 16 की है, 17 की है, 7 की है, 13 की है। जो सारी कीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं पर याद न रखने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ऐसी की है, तो वो उसमें हम लोग टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें यूनिट का, यूनिट प्लेस फॉर 2, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई नंबर, मैंने आपको कल भी बोला था, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे इकाई अंक। तो इसका जो इकाई अंक है अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वैसे नंबर्स कौन से होंगे? वो डिविजिबल होंगे 2 से। क्लियर? अब हम लोग अगर बात करें तो 3 की थ्री की कौन सी है? तो थ्री के की में ऐसा है, मान लो कोई नंबर है ABCD, मान लो कोई नंबर है ABCD और रुपेन आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, कोई बात नहीं फर्स्ट लेक्चर है तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, कल का लेक्चर आप देख लेना बाद में, ठीक है। थ्री की बात करें तो ABCD है, तो अभी A+B+C+D इसका मतलब ये हुआ कि थ्री की क्या बोलती है कि हमें सारे जो डिजिट्स है, जो हमारा नंबर है उसके सारे जो अंक है उसको जोड़ देना है, उसको क्या करना है, जोड़ देना है और वो सारे अंकों को 3 से डिवाइड कर दो तो वो नंबर क्या हो गए, आई होप कि विजिबल है, हाँ चलो विजिबल है, तो वो नंबर क्या हो गए A+B+C+D/3 अगर वो हमें मिल रहा है तो क्या होगा, वो नंबर डिवाइड बाय 3 होगा, क्लियर। हम लोग बात करें अगर 343 की, क्या 343 3 से डिविजिबल होगा, क्या 343 3 से डिविजिबल होगा, यस और नो? पायल प्रजापति मैम थोड़ा जल्दी पढ़ाए, हाँ मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ पर मुझे सब स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के पढ़ाना होता है और जिन जिन लोगों ने ये टॉपिक सुबह किया है उनको अगर ऐसा लग रहा है तो आप एक बार ही पढ़ लो, क्योंकि शायद ऐसा कुछ मिल जाए आपको कि जो आपने सुबह ना पढ़ा हो। पायल जो डिफ़िकल्ट है यूपीएससी ज़्यादा फोकस, कॉमन पे ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करे। पायल पक्का हम लोग वही करेंगे, हम लोग लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे यार, शांति से पढ़ते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है, और लेवल डिफ़िकल्ट लेवल आएगा, फिक्र ना करो। चलो सबका आंसर आने लगा है नो, तो क्लियर सी बात है नो होगा, क्यों? क्योंकि 3 + 4 दैट इज़ 7, 7 + 3 विल बी वॉट 10। अगर मैं इन सबको जोड़ूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा कि 10 मिलेगा और हमें क्लियरली पता है कि 3 × 3 = 9 होता है, मतलब कि ये 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। अगर पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो ऐसा बोल देंगे कि भाई तू 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग फोकस करते हैं, मैं थोड़ा इस सब डिमांड कर रहे तो मैं थोड़ा इसका स्पीड ज़्यादा रखूँगी, अगर किसी को दिक्कत आ रही है कोई भी टॉपिक में कहीं पर भी तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। चलो 4 की ये कहती है कि लास्ट के जो 2 अंक होते हैं ABCD में, जो लास्ट के 2 अंक होते हैं दैट इज़ CD, अगर ये 2 अंक 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है तो ही वो अंक क्या होंगे, जो पूरा अंक है वो 4 से डिविजिबल होगा। और एक और चीज़ है कि अगर CD मान लो 00 है, CD क्या है 00 है, तो भी वो क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। कैसे? अभी आपको मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया 5 6 4 3 1 2 9 0 0, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट 2 डिजिट में आप क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट 2 डिजिट कौन से है 00, दैट मीन्स आपको अगर ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दिस नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, यू डोंट इवन नीड टू चेक इट आउट, क्लियर। आपने लास्ट डिजिट ऑब्जर्व किया 00 है तो मतलब बोल दो उसको कि हाँ भाई तो डिवाइड होगा, इतना बड़ा नंबर है हमें स्टिल वी डोंट इवन नीड अ सिंगल पेन। मान लो कि अगर आपको यही सवाल में ऐसे दिया होता PQ 00 और पूछते कि क्या ये नंबर, क्या ये दूसरा वाला नंबर जो मैंने लिखा है ये वाला नंबर, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बताओ। कन्नू का मैसेज है, आप पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करोगे? हाँ, हम पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करेंगे और रीजनिंग का भी कवर करेंगे, डोंट वरी। अगर आपका आंसर ना है तो क्यों नहीं होगा, और अगर आपका आंसर हाँ है तो क्यों वो डिविजिबल होगा 4 से। डिम्पल आपने लिखा है JMJ, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। ओह, जय माता दी, ठीक है, यस होगा। पूजा पटेल यस होगा, PHC यस, मिलन यस, डिम्पल या, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि कह नहीं सकते, ऑप्शन में लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका मतलब कि हम बता नहीं सकते, तो ये आंसर गलत होगा। और आपका आंसर क्या आएगा कि यस डिविजिबल, यस नो, नन और कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा यस। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 अंक क्या है, 0 0। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5 के रूल के लिए। 5 के रूल के लिए बहुत आसान सा रूल है, मतलब बच्चों जैसा रूल है, और जो भी ऐसे तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो उनके लिए तो मतलब मान लो बाएं हाथ का खेल है, हम लोग बोल सकते हैं। तो 5 का नियम क्या कहता है? तो 5 का नियम कहता है अगर यूनिट प्लेस डिजिट जो है, यूनिट डिजिट है वो आपका 5 है और 5 है, और मेरा सुनना ध्यान से, 5 और 0, और देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन और एंड एंड। तो आप ये समझना कि और एंड में बहुत डिफरेंस है, तो गलती से भी उन दोनों को मिक्स मत कर देना। तो ये होगा 0 और 5, या तो सॉरी फॉर द नॉइज ऑफ द ट्रेन, या तो वो 5 होगा यूनिट प्लेस, या तो वो 0 होगा, तब जाके वो डिविजिबल होगा। किससे? 5 से। क्लियर? ये इसमें कुछ बड़ा था नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 6 की, तो 6 के लिए क्या है? तो 6 के फैक्टर हमें पता है 1 2 3 6। 6 के फैक्टर हमें पता है, अब तो बड़े हो गए, तो 1 2 3 6 हमें पता है। तो इसमें से एक चीज़ नोटिस करो कि 2 × 3 क्या होगा, ये 2 × 3 क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करें तो 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा। तो 2 × 3 6 है, तो हम सबको पता है कि 2 की key क्या होती है और 3 की key क्या होती है। तो 6 का रूल क्या बोलता है कि 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर मैं बोल रही हूँ एंड, इधर मैंने बोला था और, इधर क्या बोल रही हूँ मैं, एंड। तो अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है कोई नंबर, तब भी जाके वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्या ये 1 2 3 8 2, ये 3 है, हाँ, 1 2 3 8 2, यानी कि 12,382, 12,382। क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा? चलो इसमें मैं थोड़ा और इसको ऐड करती हूँ। चलो, क्या ये नंबर 1 2 3 8 2 0 0, ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। लास्ट 3 डिजिट, ओके, कुछ कमेंट्स मैंने मिस कर दिए। लास्ट डिजिट 00, लास्ट डिजिट 00, ओके ओके। JMG मीन्स, हाँ जय माता जी, अभी ये बाद में करेंगे हम लोग, पहले पढ़ लो यार। 2 और 3 के साथ यस, पूजा पटेल यस, PHC नो, डिम्पल यस, सुनील यस, सुनील नो, सॉरी चिराग नो। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम लोग 2 और 3 के लिए चेक करेंगे, तो 2 से तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है, जो यूनिट डिजिट है, ये जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 0 है। अगर हम लोग बात करें 3 के लिए, तो 3 के लिए सबको ऐड करो। चलो 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 1 16, यानी कि इसका सम कितना आया? 16 आया। तो 16 को हम लोग 3 से डिविजिबल नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 × 5 15 होगा और ये तो 16 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर कंसेप्ट? आई होप कि कंसेप्ट क्लियर है आपको। चलो मिलन सो पॉसिबल 18 डिवाइड बाई 3, 18 कहाँ से होगा? चेक करो 8 और 2 10 है, फिर 3 13 14 15 16, 16 आ रहा है जो सम है वो। अगर कहीं पे मेरी गलती है तो मुझे बता दो। 2 से होगा, 3 से नहीं। PHC करेक्ट है। क्लियर? चलो कि मैं बीच में वेट कर रही हूँ, पर मुझे आपकी कमेंट्स देखने के बाद मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। ओके हमें आंसर मिल गया, हाँ क्लियर है, ठीक है। चलो यस ओके। तो अब हमने देखा 2 3 4 5 6 के लिए, अब हम लोग देखेंगे 7 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आराम से पढ़ना, और अगर इसमें पता ना चले तो मुझे बता देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ कि आपका लाइव लेक्चर का मतलब ऐसा ना हो कि आपको पता ना चले, सिर्फ हम लोग लाइव आके आपको पढ़ा के चले जाए। हमारा मोटो यही है कि आपको समझ में भी आए। तो मान लो कोई नंबर है ABCD, कोई नंबर है ABCD। अब 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए हमें चेक क्या करना है? लास्ट डिजिट जो है उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो होगा 2D। और फिर ये फर्स्ट स्टेप हुआ, क्या हुआ कि फर्स्ट उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस डिजिट उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और जो बचा हुआ नंबर है यानी कि ABC, उसमें से 2D को माइनस कर दो, उसमें से 2D को माइनस कर दो सॉरी। तो आपको जो मिलेगा वो क्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो अगर आपको चेक करना है तो वापस से ये प्रोसेस आप कर सकते हो तब तक, जब तक आपको पता ना चल जाए कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्या मुझे बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ 343। अगर मैं बोलूँ 343, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि 3 को, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 3 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 3 दूनी 6। अब बचा नंबर कौन सा? 34। 34 में से 6 को कम करो, 28 आएगा। और मुझे पता है कि 7 × 4 28 होता है, तो ये नंबर जो 343 है वो 7 से डिविजिबल होगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको पता चल जाए। अमरदीप सिंह कह रहे हैं कि यस होगा 1 2 3 8 2 0 0 बाई 6 पॉसिबल। 8 और 2 10 और 3 13 14 15 16 नहीं होगा। क्या ये आपको क्लियर है अमरदीप सिंह? डिवाइड बाय 6, क्योंकि 3 है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो अब हम लोग चेक करते हैं, उसको छोड़ दो, हम लोग बाद में कर देंगे। तो क्या आपको ये 7 वाला समझ आया? मिलन गॉट वेरी वेल। PHC एक फिर समझाए ना, ठीक है फिर से समझाती हूँ आपको कि 7 का जो है वो कैसे होगा। अगर हम लोग बात करें 7 की, तो एक सेकेंड, अगर हम लोग बात करें तो 7 के डिविजिबल कैसे होगा, तो हमें क्या कर रहे हैं, कोई एक नंबर दिया है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं ऐसे ही, कोई एक नंबर दिया है ABCD। अब ये ABCD जो है उसमें D को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो बचा हुआ नंबर यानी कि ABC जो है उसमें से 2D को निकाल दो, तो जो आएगा, मान लो अगर ABC में से आपने 2D को निकाल दिया तो कुछ और नंबर आया, तो वो नंबर आपको नहीं पता कि वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो वापस से प्रोसेस रिपीट करो। कैसे, मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल लेके समझाती हूँ, फिर समझाए, हाँ मैं फिर से समझा देती हूँ, जिस नंबर को सॉरी जिन जिन लोगों को पता नहीं चला उन लोगों के लिए मैं फिर से आपको लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। चलो एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल 16807, एक्चुअली मैंने ये एग्ज़ाम्पल आपके लिए रखा था कि आपको पूछूंगी, ठीक है। आपको अगर जिसको समझ आ गया है वो चेक कर सकता है। 16807 है तो ये 7 यूनिट प्लेस है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 2 14 आया। अब 1680, क्योंकि ये 7 अभी हमने भूल जाना है क्योंकि हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसमें से 14 को कम करो तो कितना आएगा, इधर 6 आएगा, इधर कितना आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, 1 6 और 166 आएगा, ये इतना आएगा 1666 आएगा। अब वापस से हमें नहीं पता कि ये नंबर जो 1666 है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 को वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 6 को काट दो, 6 दूनी 12। अब वापस से 166, क्योंकि बचा क्या, 166 बचा, 6 को तो हमने काट दिया, उसमें से 12 को कम कर दो, कितना आएगा 4, और ये कितनी बारी आएगा, 5 बारी, और ये 1 बारी। फिर वापस से मान लो अगर मुझे नहीं पता कि 154 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, क्या करेंगे हम लोग, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आया, 8 में 15 में से 8 निकाल दो, कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 तो 7 से डिवाइड होता ही है, तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है 16807 वो 7 से डिवाइड होगा। क्या अब ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या अब ये कंसेप्ट क्लियर है? गाइस शेयर कर दो यार वीडियो, आप लाइक करो, शेयर करो यार, मुझे अभी तक ज़्यादा स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, और लाइक करना मत भूलो यार। आज मेरी तो आवाज़ ख़राब है। यस आई अंडरस्टैंड, ओके। तो क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? पक्का वाला क्लियर हो गया? अभी पक्का वाला क्लियर है तो लाइक ठोक दो और मुझे ऐसे बता दो कि हाँ अब क्लियर है। सबका आंसर यस यस आ रहा है। कंसेप्ट इज क्लियर बट सो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। मिलन, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, वंस आप उसकी आदत डाल दोगे ना तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। मान लो आपको मैं कोई एक बड़ा सा एडिशन देती हूँ तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं? लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, एडिशन है तो एडिशन में आपको दिक्कत होगी ही नहीं, अब बचपन से करते आ रहे हो, तो इसको आदत डाल दो। मैं आज जो करवा रही हूँ, भरत सोनी नो, इतनी बार नो, ठीक है यार, आप वापस से वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको कोई चीज़ है वो आप मतलब एडिशन है, बचपन से करते आ रहे हो, प्रैक्टिस हो गई, आपकी हैबिट हो गई, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो वही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ो मैम, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी आदत डाल लो, ऐसा नहीं कि मैंने करवा दिया तो आपका हो गया, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, 7 की हमने बात कर ली, तो अब हम लोग बात करेंगे 8 की। तो 8 के बात करें तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4 8, ठीक है। अभी हमने देखा था कि 2 में हम लोग, इसमें एक रिलेशन है, अभी आप इसको कैसे याद रख सकते हो, दो, चार और आठ। तो हमने देखा था कि दो में हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट देख रहे थे, चार में हम लोग देख रहे थे लास्ट टू डिजिट दैट इज CD, और आठ में हम लोग देखेंगे लास्ट थ्री डिजिट BCD। यानी कि अगर मान लो आपका नंबर ABCD है तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस यानी कि D देखेंगे, इसमें C, चार में हम लोग CD चेक करेंगे और आठ में हम लोग BCD चेक करेंगे। अगर आपका कोई नंबर है 8, 9, 1, 3, 5, 7, 1, 1, 2, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, दैट इज़ माय क्वेश्चन। और एक और चीज़ है कि जैसे हमने देखा कि दो में अगर यूनिट प्लेस अगर 0 है तो डिविजिबल होगा, चार में हमने देखा अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 है तो डिविजिबल होगा, और आठ में लास्ट के 3 डिजिट अगर 0 है तो वो डिविजिबल होगा 8 से। क्लियर? इसका मतलब अगर आपको कोई मान लो ऐसा देता है कोई सवाल 8, 9, 1, 3, 5, 7, 0, 0, 0, तो आपको पूछेगा कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि पीछे क्या है, 3 0 है। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। मुझे बताओ कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। यस, रवि सिंह यस, डिम्पल यस, ठीक है। तो क्योंकि 112 जो है वो डिविजिबल है, आप चेक करो 112 डिविजिबल है कि नहीं है 8 से। तो क्लियर सी बात है 14 × 8 कितना होगा, 112। तो ये जो नंबर मैंने दिया इतना बड़ा नंबर जो कि 8, 9, 1, 3, 5, 7, 1, 1, 2 वो डिविजिबल होगा 8 से। मान लो अगर यही सवाल आपको एग्ज़ाम में आता है तो आपको कितनी दिक्कत होगी सॉल्व करने में। अगर आपको ये सारे ट्रिक्स पता है यानी कि कीज़ पता है, शॉर्टकट कीज़ पता है, तो आप आराम से कर सकते हो। अरे गाइस शेयर करो ना, अभी तक मुझे जितने स्टूडेंट्स दिखने चाहिए उतने हैं नहीं, तो फटाफट से शेयर करो और लाइक कर दो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर समझ आ रहा है तो बीच बीच में मुझे ऐसे बता दिया करो तो मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे 9 की। तो हमने देखा था 3 की क्या बोल रही थी, तो A + B + C + D, ये पूरे को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, अगर वो पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो जाता है तो क्या होगा, वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर? सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे 9 के लिए। कैसे अप्लाई करेंगे कि अगर A + B + C + D अगर पूरी तरह से 9 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज़ है। 3 से डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ता है और 9 से डिवाइड करने के लिए 9 से डिवाइड करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रैंडम लिख रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा, पर आप लोग मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये नंबर जो है मैंने जो नंबर दिया है वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलो गिव मी द आंसर। क्या ये गिवन नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यार आप लोग कमेंट करने में और शेयर करने में मतलब कंजूसा ही करते हो। हम लोग पढ़ाने में नहीं करते, आप लोग कर देते हो। अभी तक ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे नहीं दिख रहे, क्या हो क्या रहा है यार। अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ तो हमने सुबह पढ़ रखी है, जो गुजरात के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग लाइव थे सुबह मेरे साथ। बट गाइस आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे, दैट इज़ माई गारंटी, बिकॉज द लेवल इज़ टोटली डिफरेंट। In the morning, we are focusing only on the Gujarat government examination, and in the evening, we are focusing on the SSC central government examination. Yes, Nilesh saying no. Why Nilesh? बहुत आसान सी चीज. अच्छा, आपका आंसर नो है, मुझे लगा आपको समझ नहीं आया. ठीक है, नो. पूजा पटेल यस, रूपेन नो, निलेश यस, फिर नो बोला है, पता नहीं चला. तो सौरभ सुभाष ने बोला है नो. ठीक है, चेक करते हैं हम लोग कि 8 और 2 10. अभी आप लोग ऐसे करने मत बैठो कि 3 और 2 5, फिर एक 6, फिर 6 को 9 से जोड़ो, तो आपकी शायद गलती हो सकती है. इसमें चेक करो, 8 और 2 10 हो रहा है, 9 और 1 10 हो रहा है, 7 और 3 10 हो रहा है. तो क्लियर सी बात है, ये 30 हो रहा है, क्योंकि 0 तो 0 होगा, मतलब 0 को ऐड करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है. तो 30 होगा, तो क्लियर सी बात है कि 30 9 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा. तो द गिवन नंबर वोंट बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9. बहुत सिंपल सा फंडा था. ठीक है, आई होप कि सबका क्लियर हो गया है. यस मिलन करेक्ट. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 10 की. तो बहुत आसान से की है, मतलब बात करूँ ना करूँ तो भी चल जाएगा. तो 10 की क्या बोलती है, तो कि अगर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 0 है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो 0 है, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा. बहुत आसान सी चीज़ थी, इसमें मुझे एग्जाम्पल भी देने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, थोड़ा मेरा लाइन सीधा नहीं आता, सॉरी गाइस. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 11 की, तो 11 की क्या बोलती है. तो 11 की ऐसी है कुछ, मान लो A B C D E ऐसा कोई नंबर है. तो अब इस A B C D E में हम लोग चेक करेंगे कि ये A C और E, यानी कि जो ऑड नंबर पे जो डिजिट्स है, ऑड नंबर के प्लेस पे जो डिजिट्स है, यानी कि 1 3 5 पे जो डिजिट्स है उनका सम, जो कि होगा A प्लस C प्लस E और ये जो बाकी के जो नंबर है जो कि जिसकी पोजीशन इवन नंबर पे है वो नंबर का डिफरेंस, यानी कि B प्लस D, उन दोनों का डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है. आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, मैंने कल ही आपको बताया था. जिन जिन लोगों को नहीं पता वो लोग कल का वीडियो देख ले. और 0 है, क्या है, 0 है, तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा. कैसे, एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको. 1 3 3 1 1 3 3 1. अब मैं क्या चेक करूँगी, तो 1 चेक करूँगी और 3 चेक करूँगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑड पोजीशन पे. अगर आपको मान लो ऐसे याद नहीं रहता तो आप शुरुआत से एक नंबर पकड़ लो, दूसरे को स्किप करो, तीसरा पकड़ो, चौथे को स्किप करो, ऐसे करते जो पोजीशन है उन सबको जोड़ दो और बाकी के जो नंबर बचे उन सबको जोड़ दो. तो 1 और 3 4 होगा, और इधर भी क्या है, 3 और 1 यानी कि 4, यानी कि 4 - 4 यानी कि 0. तो कंडीशन में वही है, अगर 0 है तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब 1 3 3 1 क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर. क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. अगर आपके चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड बाय क्रीना मैम करके ही उसका टाइटल है, तो आपको मिल जाएगा. और अगर हो सकता है तो चलो मैं आपको अभी इसका लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ. और गाइज तब तक के लिए आप शेयर करो, मैं आपको कल के वीडियो का लिंक प्रोवाइड करती हूँ. तब तक के लिए आप शेयर कर दो. फटाफट से शेयर कर दो, बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं चलता है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अपने दोस्तों को कुछ लोगों मतलब मेनली ऐसा होता है कि यार हम अपने दोस्तों को क्यों बुलाएं, वो लोग सीख लेंगे शॉर्टकट्स तो वो भी आगे बढ़ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। पर कोई नहीं यार, अगर वो लोग भी आएंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि हाँ यार कंपटीशन तगड़ा है, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। और आप अगर ऐसा मान रहे हो कि सिर्फ आप ही प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आप गलत सोच रहे हो। मार्केट में बहुत कंपटीशन है। टेक वन बिग एग्जाम्पल, ऑफकोर्स मिलन वी आर ठीक है। So this is the link for yesterday's video. तो जिन जिन लोगों ने yesterday का वीडियो नहीं देखा है, कल का वीडियो नहीं देखा है, वो प्लीज़ ये वीडियो ख़त्म होने के बाद देख लेना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कल का नहीं पढ़ा तो आपको आज का उतना जल्दी समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो, सो सबकी डिमांड थी कि टेक वन बिग एग्जाम्पल। चलो एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल 4906 आपको चेक करना है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। फिर आपको लेना है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलो, क्या ये दो नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। सॉरी गाइस, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। यस, मुझे ऐसे बताओ कि फर्स्ट नंबर होगा कि नहीं होगा, सेकंड नंबर होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके बताओ। पूजा पटेल का मैसेज आया है 4906 होगा। फिर मैसेज आया है कि प्रवीण का 4906 होगा, ठीक है। और दूसरे वाले का बताओ, तब तक के लिए आई हैव सम वाटर, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। फर्स्ट होगा रुपेन, फर्स्ट होगा सुभाष, 4906 होगा। 321 वाला मतलब जो सेकेंड वाला है वो नहीं होगा। सबका ऐसा आंसर आ रहा है, मेजोरिटी विन्स ऑलवेज। तो देखो कि क्या बोला है, ठीक है। सेकेंड वाले में सब लोग ना बोल रहे, फर्स्ट वाले में सब लोग हाँ बोल रहे। तो चेक करते हैं, 4 और 0 को जोड़ दो तो 4 होगा, 9 और 6 को जोड़ दो तो 15 होगा। तो 15 में से अगर 4 को हम लोग कम करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। तो क्लियर सी बात है ये कट होगा, क्योंकि ये 11 से डिवाइड हो जाता है। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 9 और 1 10 और 2 12। तो इसका क्लियर सा दिखाई दे रहा है कि ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। सो एक्सीलेंट गाइस, फर्स्ट वाला जो है वो होगा तो सेकेंड वाला नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12 की की। 12 की की क्या बोलती है, तो हम सबको पता है कि 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 और 12। ये सारे फैक्टर्स होते हैं 12 के। तो अगर हम लोग बात करें तो 4 और 3, 4 × 3 करें तो 12 मिल जाएगा। आपको 4 की भी की पता है और 3 की भी की पता है। तो अगर जो गिवन नंबर है वो 4 और 4 और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, जैसे कि हमने देखा था 6 में 2 × 3 जो है वो 6 हो रहा था, अगर 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो भी वो नंबर होगा 6 से डिविजिबल। सेम चीज़ इधर अप्लाई होगी, अगर 4 और 3 दोनों से हो रहा है नंबर तो ही वो 12 से डिविजिबल होगा। एंड आई डोंट थिंक कि इसका एग्जाम्पल लेने की कोई ज़रूरत है, बहुत क्लियर सी बात है, आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13 की। तो 13 का जो की है वो क्या बोलता है, अभी ये इम्पॉर्टेंट है गाइस, समझ लेना। आई होप कि 12 वाली की में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो 13 वाली की ये कहती है कि जो नंबर है गिवन ए बी सी डी, ये जो गिवन नंबर है ए बी सी डी, ये गिवन नंबर ए बी सी डी में, मुझे आपके कमेंट्स अभी तक नहीं मिले, ए बी सी डी में अगर जो यूनिट प्लेस डिजिट है। अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि हमने जो चीज़ 7 में सीखी उसके रिलेटेड चीज़ हम लोग 13 की की में सीखेंगे और उसके रिलेटेड चीज़ हम लोग 17 की में भी सीखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 13 की तो ए बी सी डी आया, तो अब ये डी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और जो नंबर बचा यानी कि ए बी सी है उसमें ये 4D को जोड़ दो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्या करना है हमें, ए बी सी जो है प्लस 4D कर दो तो ये जो नंबर मिलेगा अगर वो 13 से डिविजिबल है तो नंबर जो होगा वो 13 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं 2197, मैंने आपके लिए पूरा लिस्ट बना के रखा है। 2197, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। उसके पहले मैं आपकी कमेंट्स देख लूँ। नीलेश बोल रहे हैं हाँ। बाकी के लोग क्या कर रहे हो यार, कमेंट तो कर दो एटलीस्ट, शेयर नहीं करना तो कोई नहीं। कल से तो अपने ऐसे रूल बनाएंगे कि जिन जिन लोगों ने शेयर नहीं किया, जब तक शेयर नहीं किया तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी। क्या ये 2197 13 से डिविजिबल होगा? कम ऑन गाइस जल्दी, हमारा लेक्चर का टाइम ख़त्म होने को आया है। हाँ पीयूष बोल रहे हाँ, ठीक है। बाकी के लोग कहाँ पे है? मिलन ने कुछ आंसर किया है कि 219 + 28 = 247। ओके चलो तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले 7 को 4 से जोड़ दो तो 219 प्लस क्या करेंगे 4D, तो 7 × 4 कितना होता है 28 होता है। 7 × 4 कितना होता है 28 होता है। तो इधर 7 आएगा, इधर 1 कैरी जाएगी तो 4 आएगा और इधर 2 और 2 4 होगा। अब वापस से मुझे नहीं पता कि ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी उसको फर्दर सॉल्व करूँगी। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, तो 13 ये जो 7 है उसको 4 से जोड़ दो यानी कि 44 - 28। तो 44 - 28 कितना आएगा, ये 2 बचेगा इधर से और 10 बचेगा और 16 आएगा। आई गेस कहाँ पे गलती हुई क्या, 28 और 219 अगर इसको 28 में जोड़ दे हम लोग तो ये 17 होगा। तो ये 4 और 4 नहीं, सही तो है, ठीक है। हाँ इसको जोड़ना है, सॉरी माय मिस्टेक। देखो ऐसी गलती हो सकती है अगर आप कंसंट्रेट करके नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर रही हूँ, पर ऐसी गलती एग्ज़ाम में होने के चांसेस है। सो बी केयरफुल, आप जब भी कोई भी सॉल्व कर रहे हो सम तो आप केयरफुल रहो, आपको ये पता होना चाहिए कि 7 में हम लोग माइनस करते हैं और 13 में हम लोग जोड़ते हैं। तो इधर देखो 8 और 4 12 होगा, यानी कि 2 और 4 कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 62 होगा, सॉरी 72 आएगा ना, एक कैरी है तो 72 आएगा। 44 + 28 विल बी वॉट 72। अब हमें पता है कि 13 × 6 ये 72 क्या होता है 13 × 6, यानी कि ये 72 6 से डिवाइड 13 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 13 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर जो है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा जो नंबर है 2197 वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। नीलेश नाउ यश, मिलन यस, नीलेश होगा, रवि यस, टेक गुरुजी यस, टेक गुरुजी बहुत दिनों के बाद दिखे। और अभी जो बाकी की जो कीज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज लेक्चर का टाइम हो गया है। तो बाकी की key हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और कौन कौन सी की हम लोग देखेंगे 14, 15, 16, 17, फिर देखेंगे 18 के भी आपको बता दूंगी कि कैसे करना है, और 25 की देख लेंगे। ठीक है, रोज़ शाम को 4 बजे आपको हम लोग मिलेंगे। ये एडवांस लेवल बोल सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आप लोग बोल सकते हो, तो वो एक है। और अगर आपको सुबह आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि गुजरात गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको वो मिल जाएगा सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे हम लोग लाइव आते हैं। डिफरेंट फैकल्टीज़ होती है जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। इंग्लिश है, गुजराती है, फिर मैथ्स है, लॉजिक है, फिर लॉ है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाती है फैकल्टीज़। तो जो लोग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग सुबह 9 बजे आ सकते हैं। और जो लोग को थोड़ा एडवांस लेवल चाहिए या फिर उन लोगों को ऐसा है हम लोग गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की कर रहे हैं तैयारी, पर फिर भी हमें कुछ एडवांस चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो वो लोग ये 4 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन करें। और जिन लोगों को ऐसा है कि सुबह पढ़ लिया वही पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है गाइस। सुबह मैंने बहुत सारी की ऐसी थी जो नहीं बताई थी क्योंकि वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है वो एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो हम लोग उतना ही फोकस करेंगे सुबह कि जितना इम्पॉर्टेंट है गुजरात गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, और शाम को हम लोग वो फोकस करेंगे वो जो ज़रूरी है इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज आपने मतलब शेयर और लाइक करने में थोड़ी कंजूसाई की है, वो मुझे दिख रहा है इधर, तो कल से ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। तो कल से आपको मतलब शुरू से ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। 247 आएगा, 447 कहाँ से आया, चलो देख लेते हैं। कहाँ लिखा है मैंने 2, अरे हाँ, ये कितना आएगा सॉरी गाइस, ये कितना आएगा 247 आएगा। ठीक है, 9 और 8 17 और एक ये, तो 247 आएगा। थैंक यू सो मच पायल फॉर करेक्टिंग मी। तो 247 आएगा, तो इधर कितना होगा 24 होगा। चलो हम लोग ये वापस से कर देते हैं। 2197 है ना अपना एग्जाम्पल, चलो हम लोग इसको करते हैं वापस से। 2197 है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आएगा 28 आएगा। ये 28 को जोड़ दो 219 में, 28 को 219 में जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा 247 मिलेगा। वापस से ये 7 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 28 आएगा। अब 28 + 24 करो, कितना आएगा 8 और 4 12 और एक कैरी आएगी, तो कितना आएगा 52, तो 52 आएगा। तो अगर 52 आएगा तो ये जो 52 आया वो भी 13 से डिविजिबल हो ही जाएगा यार। 13 × 4 कितना होगा 52 होगा, यानी कि 13 × 4 = 52। तो अल्टीमेटली द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 13, बट माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि जल्दी जल्दी में हो जाता है यार। तो बाकी की हम लोग जो कीज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। और अगर कुछ इसके रिलेटेड आई गेस अब कोई डाउट नहीं होगा। जितनी कीज़ हमने पढ़ी 2 से लेके 13 तक वो क्लियर होगी आपको। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है बाकी की कीज़? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी से बता दो यार, बहुत टाइम लगाते हो आप। 247 राइट है। हाँ, गलती हो गई थी मेरे से। पूजा पटेल यस, ओके। रवि यस। तो इतनी देर आप लोग मतलब क्यों आंसर नहीं कर रहे थे? आंसर देने में टाइम मत लगाओ ताकि हम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। थैंक्स मैम, यू आर वेलकम। और सी गाइस, थोड़ा पायल थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, ठीक है पायल? हम लोग फास्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर मुझे सारे स्टूडेंट्स का देखना पड़ता है, बट स्टिल वी विल ट्राई कि हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ाए, आपको ज़्यादा कवर कर ले। तो कल अगर ऐसा होगा कि मैथ्स का ये हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर, जो बाकी की कीज़ बाकी है वो मैं आपको बता दूँगी, और फिर हम लोग ऐसा होगा तो हम लोग रीजनिंग का लेक्चर शुरू कर देंगे, फर्स्ट लेक्चर रीजनिंग का। सो डोंट वरी, आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसकी फ़िक्र आप मत करो, और एडवांस लेवल तक भी हम लोग जाएंगे, ठीक है? तो सबका आंसर आ गया, यस क्लियर है। और गाइस शेयर करते रहो, मतलब लाइक वाइक ठोक दो तो मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है? गो अहेड पायल, दिस लेक्चर एंड्स ओवर हियर। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, और पढ़ते रहो, मज़े करो, मज़े भी करना ज़रूरी है लाइफ में। कल हम लोग ये बाकी की कीज़ पढ़ लेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे। लाइव क्लास सुबह 9 बजे है गुजरात गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, और शाम को 4 बजे भी होती है। हम लोग इवेंट क्रिएट कर देते हैं अगले दिन ही, तो आप लोग इवेंट को उसमें आप डाल सकते हो कि रेगुलर आपको पता चल जाए। थैंक यू, यू आर वेलकम, सी यू लेटर, बाय बाय मिलन, ओके। सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्मार्ट स्टडी, स्टडी स्मार्टली यार, मतलब हार्ड वर्क ना करो, स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है? चलो, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और आप कछुआ की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो। अगर कर लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसमें से आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो फिर आप कर सकते हो वो सब्सक्राइब कोर्स को भी। और डेली सुबह 9 बजे हम 5 फैकल्टी में से कोई एक फैकल्टी आपके सामने आ जाएगी और आपको नॉलेज उनका शेयर करेगी। तो कल है थर्सडे, और थर्सडे को मनोज सर का लेक्चर होता है, दैट इज़ फॉर लॉ के लिए होता है उनका लेक्चर। तो कल सुबह 9 बजे मनोज सर होगी लाइव, और शाम को 4 बजे वापस से मैं आपके सामने आ जाऊँगी, ठीक है? तो शाम को 4 बजे कल हम लोग मिलेंगे, तो यही सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। और जो फैकल्टी को इंटरेस्ट है कछुआ के साथ जुड़ने में, मोस्ट वेलकम। हम लोग जीपीएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस, स्टैंडर्ड 5 to 12 गुजराती इंग्लिश मीडियम और स्पोकन इंग्लिश, टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट स्किल्स है, आप एक्सपर्ट हो किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, सो मोस्ट वेलकम टू kachua.com। Okay guys, bye bye, have a great day.